पदमपुर पुलिस ने गश्त के दौरान भगत सिंह चौक पर नशीली गोलियों के सप्लाई पर कार्रवाई करते हुए आज बड़ी संख्या में नशीली गोलियों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए बता दें, युवक का नाम लवली सिंह व अमित बताया जा रहा है, जो फोटाडोल सहित नशे की करीब 10,720 गोलियां डब्बों से भरी हुई मिली। वहीं पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि ये नशीली दवाइयों की खेप कहां से आती है और कहां सप्लाई की जा रही है। अभी जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में जुट चुकी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं 15 दिन पूर्व SHO रामेश्वर लाल ने पदमपुर के सभी मेडिकल स्टोरों से संचालकों से बैठक की थी, जिसमें कहा जिस प्रकार नशे के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसके बाद से SHO रामेश्वर लाल बिश्नोई ने यह अभियान चलाया, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में यहां पे कार्रवाई की गई और जो है नशे की खेप को पकड़ा गया। मामला पदमपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को नशे की खेप के साथ पकड़ा है। ये पदमपुर मंडी में कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि यह नशीली टेबलेट कुछ लोग वितरण कर रहे हैं और नई पीढ़ी को नशे की गर्भ में धकेल रहे हैं, जिस पर हमने अभियान चलाया। तो अभियान दौरान गत रात्रि को समय 10 बजे ये दो लड़के लवली सिंह और अमित सिंगला, इनके कब्जे से हमने भारी मात्रा में नशीली टेबलेट करीब 10,720 टेबलेट बरामद की है और इनके खिलाफ NDPS सेक्टर में मामला दर्ज किया है।